सर आपने एक ना तो शुरू करके ना फिर छब्बी फिर थोड़ा पीछे आना पीछे शॉट मार दे सारे भाई एक मिनट सामने। हाँ जी सर। जी सर बताइए। आई एम हरप्रीत सिंह रेजिडेंट ऑफ अजीत कॉलोनी बोल गुजरात। 6 मार्च 2018 इसी मंथ में बिग बर्गलरी दैट हैज हैपेंड एट माय होम। हिंदी में बोलो। आई वाज आउटसाइड सर हिंदी में थोड़ा। मैं बाहर था नॉर्थ ईस्ट गया हुआ था। तो 6 तारीख को 3 बजे मेरी वाइफ स्कूल टीचर है वो स्कूल में थी 3 बजे वापस आई है और जब उसने अपना गेट ओपन किया और अंदर डोर ओपन किया तो देखा अंदर शीशे टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। देन शी रश्ड आउट वो बाहर गई और बाहर एक मतलब हमारे नेबरहुड में ही एक आदमी था तो उसको बोला कि अंदर कुछ है अंदर कुछ तोड़फोड़ हुई है। तो नेबरहुड भी उनके साथ अंदर आया तो नेबरहुड ने यही बोला कि हाँ आपके घर पे तो काफ़ी देर से काम चल रहा था 11 से लगभग 1 बजे के बीच तक आपके घर के अंदर 2 लड़कियां भी थी लेडीज आपस में। मैंने सोचा कि आप और आपकी बेटी बात कर रही है आपस में और ऊपर 3-4 लड़के बात कर रहे थे आपस में तो काफ़ी तोड़फोड़ और लगातार काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी जो कि कम से कम नहीं तो वहाँ पे हमारे काफ़ी 100-200 मीटर तक दुकानें भी हैं उनको भी आवाज़ आ रही थी इस तरह की तोड़फोड़। तो अंदर फिर उसी वक्त पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट गोली चक्के वहाँ पे इन्फॉर्म किया गया कि ऐसे बर्गलरी हुई है तो आप एक बार आकर विजिट कर लीजिए। तो उन्होंने अपने वहाँ से भेजे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए शायद ASI एक आए थे तो उन्होंने वहाँ पर चेक किया और मैं शाम को लगभग 9:30 बजे के करीब अपने घर पर पहुँचा हूँ। 9:30 बजे अपना देख के पूरा तो मैंने FIR रात को ही जाके ओडीचक पुलिस पोस्ट में वहाँ पे जाके अपने कंप्लेन वहाँ पे FIR रजिस्टर करवाई। 7 तारीख को उन्होंने 7 तारीख की डेट पे 0079 FIR नंबर 0079 के अगेंस्ट जो है 7 तारीख को उन्होंने FIR लॉन्च की है मेरी। फिर मैंने जो आई विटनेस था उससे बात हुई। आई विटनेस हमारे घर में आके उसने पूरा बताया है कि 11 बजे आपके घर के अंदर 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी और शीशा टूटा। मैंने सोचा है कि आपकी बेटी से शीशा टूट गया और आपकी वाइफ उसको डांट रही है। उसके 10 मिनट बाद दूसरा शीशा टूटा है तब भी उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि शायद लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसे हो रहा है और वहाँ पे उसी की वजह से लड़ाई झगड़ा दोनों में आपकी बेटी में और आपकी वाइफ में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और ऊपर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी किसी चीज़ की टूटने की कोई चीज़ कोई तोड़ रहा था जैसे कि मतलब कोई बड़ी चीज़ तोड़ रहा था तो ऊपर कुछ लड़कों की आवाज़ आ रही थी। तो मेरे को यही लगा कि आपकी वाइफ और आपकी बेटी घर पे है और घर पे कोई मिस्त्री आपने लगाए हुए हैं वो काम चल रहा है आपका। तो उसके बाद फिर यही है कि मैंने अप्रोच किया वहाँ पे लोकल जो है हमारा पुलिस स्टेशन इंचार्ज जो है अरुण सलाथिया उसको भी अप्रोच किया कि भी आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। तो सस्पेक्ट्स कुछ हमारी तरफ से भी और कुछ उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की है क्योंकि उस दौरान भी क्या था कि हमारा जो घर है हमारे सिर्फ 2 नेबरहुड जो थे नेबर थे वो वहाँ पे थे उसके अलावा बाकी नेबर्स जो वो घर पे नहीं थे। जिस ढंग से चोरी की गई थी कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लाई गई थी जैसे कि कोई प्लास या कोई काटने वाली चीज़ हर चीज़ घर से यूज़ की गई थी और ऐसा लग रहा था कि कोई प्रोफेशनल चोर नहीं है कोई मतलब अननोन मतलब जिनको कुछ पता नहीं है जो कि गमलों से अलमीरा तोड़ रहे हैं कभी वो घर के यूटेंसिल्स हैं उनसे अलमीरा तोड़ रहे हैं। बट देट मतलब इसको मतलब वो कह रहे 2 घंटे पूरा लगा है 11 से 1 बजे तक एज पर आई विटनेस भी वहाँ पर पूरा काम चला और अलमीरा फाइनली तोड़ के एक अलमीरा में से कैश निकाला गया था और दूसरी अलमीरा में से गोल्ड निकाला गया है गोल्ड एक ये 2 अलमीरास। इसके अलावा मेरे पास वहाँ पे फोन्स पड़े थे कॉस्टली फोन्स कैमरास कॉस्टली पड़े थे और कई ऐसी चीज़ें पड़ी थी जिसको कोई नहीं छेड़ा गया एक भी चीज़ वहाँ से वो गायब नहीं है वो हिली भी नहीं है। सिर्फ उन्हीं 2 अलमीरास को टारगेट किया गया है उन्हीं 2 बेडरूम्स को टारगेट किया गया है जिसमें वो 2 अलमीरास थी जिसमें गोल्ड कैश बाकी और भी बेडरूम्स हैं किसी बेडरूम का दरवाजा नहीं तोड़ा गया किसी बेडरूम में फोर्स जो एंट्री नहीं की गई है। दैट मीन्स की मे भी कोई नॉन पर्सन हो सकता है या जो जिसने कि वही पर्टिकुलर 2 रूम्स खोले और 2 रूम्स में ही उसने वो निकाला है। एज पर आई विटनेस तो 2 लड़कियां और बाकी 3 से 4 और एग्जैक्ट मैं बता रहा कह रहा कि वो ऊपर थे ऊपर कमरे लड़कियां नीचे थी जो कि पूरा देख रही थी ड्यूरिंग दैट टाइम और वो आदमी उसमें बाहर ही रहा 2 घंटे पूरा बाहर ही रहे। इसके बाद चलो मतलब मैंने अप्रोच किया कि हाँ भी मेरे इन्वेस्टिगेशन करो क्योंकि मैं खुद बाहर जॉब करता हूँ सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहता हूँ। तो बट यही था कि मेरी वाइफ और मेरी बीवी रहते थे पापा मम्मी मेरे बाहर थे तो उसकी वजह से जिसने भी फ़ायदा उठाया उस चीज़ को पूरा फ़ायदा उठाया। पुलिस को मैंने काफ़ी कहा कि इन्वेस्टिगेट करो और एटलीस्ट मेरे को भी थोड़ा सा इन्फॉर्म करूँ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो एज पर पुलिस भी जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने जो 4-5 सस्पेक्ट में से किसी 1 सस्पेक्ट या 2 सस्पेक्ट पे ही ज़्यादा बोलते हैं बल्कि मान रहे। तो बट प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक SHO तो वहाँ पे आए नहीं है SHO तो मैं अभी तक मिला भी नहीं उनको SHO को बट SDPO दमाना इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय
वो जितनी बार भी आए हैं मतलब ही हैज गेन समथिंग, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ उन्होंने क्लू निकाला है, बट ही इज नॉट मतलब ही इज नॉट एबल टू इन्वॉल्व फुली इन दिस केस, क्योंकि और भी काफी एसडीपी उनका काफी बड़ा एरिया है, तो उसकी वजह से वो इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं। जो पुलिस पोस्ट जो चौकी इंचार्ज है वो एक या दो बार वहां पे आए हैं, तो बट इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन पूरी कर रहे हैं, बट जो मेरे को फील हो रहा था कि मुझे कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं। देन 10th of March को आई अप्रोच आईजी इन पर्सन, मैं खुद गया हूँ, मेरे फादर मेरे साथ गए हैं, उनको एप्लीकेशन हमने उनको अपील की थी कि प्लीज यहाँ पे ये केस को थोड़ा सा इसका स्पीडी डिस्पोजल किया जाए। देन आईजी साहब ने मार्क किया एसएसपी साहब को, मिस्टर विवेक जी को, तो मिस्टर विवेक जी ने काफी सुना है मेरे, पूरा क्लोज बैठ के पूरा केस सुना मैंने उससे, सुनने के बाद ही मार्क दैट एप्लीकेशन टू एसएसपी रूरल। देन एसएसपी रूरल से भी मिले और एसएसपी रूरल ने भी पूरा कंप्लीट बैठ के हमसे पूछा कि क्या आपको सपोर्ट भी क्या चाहिए और पूरा केस भी पूछा है, तो वो केस उनको बताने के बाद मैंने उनसे सपोर्ट ये मांगी कि लो द लाइन ना इन्वेस्टिगेशन करा के प्लीज आप एसडीपीओ को इन्वॉल्व करो, एसडीपीओ से कोई और या कोई टीम इन्वॉल्व करो। तो फाइनली उन्होंने एसडीपीओ को 10 तारीख को कहा था कि मतलब जो एसडीपीओ विल इन्वॉल्व इन दिस केस, बट अभी तक 18 दिन हो चुके हैं, आई एम नॉट एबल टू गेट एनी फ्रूटफुल रिजल्ट, आई एम नॉट एबल टू गेट एनी लीड। बट एट द सेम मोमेंट मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं उनसे बात करता हूँ मेरे को यह भी पता लग रहा है कि दे गॉट द लीड, बट आई डोंट नो कि वो लीड मिलने के बावजूद कहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो उस लीड को आगे फॉलो नहीं कर पा रहे, उस लीड के जरिए उन कल्प्रिट्स को पकड़ नहीं पा रहे। आई कांट से कि पॉलिटिकल प्रेशर है या क्या ऐसा रीजन है, कुछ ना कुछ रीजन है जो कि दैट्स वाई कि आई केम टू मीडिया, क्योंकि फाइनल अगर मीडिया मेरी बात में सपोर्ट करेगी तो आई एम श्योर। और दूसरी बात, वी आर लकी कि इस वक्त हमारे पास एसएसपी साहब विवेक जी भी हैं, इज अ मोस्ट ऑनेस्ट गाय, मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, एसडीपीओ हैं, ये तो हमारे पास है एसडीपीओ मिस्टर संदीप, तो ये काफी अच्छे हैं, और एसडीपीओ मिस्टर संदीप इज अ वेरी स्मार्ट गाय, फ्रेश आई थिंक सो ही इज अ आईपीएस गाय, तो आई एम काउंटिंग ऑन हिम, काफी अच्छा है मेरे को उनका जो भी, चाहे वो दो दिन भी आए हैं पर दो दिन उनकी काफी अच्छी लीड रही है, काफी चीजें उन्होंने इन्वेस्टिगेट की हैं, काफी कुछ पता किया उन्होंने, तो बट समहाउ आई एम फीलिंग केस की लीड 90% क्लियर है। सर आपको किसी पे शक है या पुलिस? सर देखो सस्पेक्ट का मैं बताता हूँ कि सस्पेक्ट 4 से 5 सस्पेक्ट थे, और वो सस्पेक्ट में से 2 सस्पेक्ट उस दिन वहां पे थे और बाकी सब घर नहीं थे, घर खाली थे, बस वो सस्पेक्ट ही थे, 4 से 5 सस्पेक्ट थे। बट मीनवाइल अभी बीच में क्या हुआ है कि उसमें से एक सस्पेक्ट वो हमें थ्रेट्स भेज रहे थ्रू नेबरहुड, और हमने क्या किया है कि पुलिस डिपार्टमेंट को वो नेबरहुड के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराई है पुलिस पोस्ट में कि अगर इफ दे आर नॉट कल्प्रिट वो ऐसी थ्रेट्स हमें क्यों भेज रहे हैं, तो दैट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया, इस पे कोई एक्शन नहीं अभी तक हुआ है। तो जी आपने बताया कि जो हाई विटनेस था उसने कहा कि 2 लड़कियां हैं और उसका जो घर के जो एक मेल थे वो घर का टायर चेंज कर रहे थे अपने साथ। हां जी वो एक सस्पेक्ट कर रहे हैं, वो एक सस्पेक्ट है, जो वही सस्पेक्ट जो हमें थ्रेट्स भेज रहे हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम क्या हुआ है कि एज पर जो आई विटनेस, एक सस्पेक्ट के पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर सॉरी सर हम यहाँ पे होते शायद चोरी ना होती। देन जो आई विटनेस है ही टोल्ड उनके सामने फेस एट हिज फेस कि सर नहीं, जितने बजे से लेकर जितने बजे तक चोरी हुई है आप अपनी गाड़ी का टायर खोल के आप सामने बैठे हुए थे और उस दौरान ही चोरी हुई है, यू नो एवरीथिंग। बट ये चीज भी पुलिस को बताई गई है, आई डोंट नो कि उन्होंने इस चीज को क्यों सीरियस नहीं लिया, या माइट बी दे माइट बी इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग डीप इनटू दैट, बट ऐसा हुआ है। और उसके बाद भी जो आई विटनेस है, आई विटनेस को भी उसी सस्पेक्ट के रिलेटिव ने धमकी दी है सबके सामने, वहां पे मोहल्ले में सबके सामने धमकी दी है, और अगले दिन ही आई विटनेस इज अ ट्रांसपोर्टर वो अपनी गाड़ी लेके जा चुका है, इस वक्त वो आउट ऑफ स्टेट है, एंड आज समझ लो कि 15 से 16 दिन हो गए वो आउट ऑफ स्टेट ही है। इस वक्त उसका कुछ बताएं कि जो टायर चेंज कर रहे थे बाहर, जो हमने बताया 11 से 1 बजे गाड़ी लेके चले गए हैं, ये हम पुलिस से पता कर रहे हैं कि आपने इन्वेस्टिगेट किया। आपको लगता है कि वो इंतजार कर रहे थे कब ये सब खत्म हो जाए? हाँ मुझे फील हो रहा है, क्यों रीजन ये है कि पुलिस कह रही है कि नहीं वो 1 बजे कहीं गए हैं, 1 बजे नहीं कितने बजे भी जा सकते हैं, बट वो उसको कहा नहीं थे। बट हमने सीसीटीवी फुटेज तक अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसने सीसीटीवी फुटेज एक घर की है वो अभी तक चेक नहीं हुई, क्योंकि हमारे घर के सीसीटीवी कैमरा पहले किसी ने काट दिए थे। सर आपने आईजी साहब से मिले, उन्होंने केस जो है कंसर्न ऑफिसर को लेकर एसडीपीओ को दिया, उनको इन्वॉल्व किया, तो जो कंसर्न था उससे आपको क्या शिकायत थी? कुछ शिकायत थी, हमने बोला कि वो किसी के साथ बैठ के पाएंगे। एसडीपीओ जहां तक एसडीपीओ इज concerned, he is a very honest, very smart guy, and I'm counting on him, क्योंकि जब जब वो बीच में involve होते हैं they give us a very big clue.